हाय फ्रेंड्स, जोहार प्रणाम नमस्कार। आप पे नेल दड़ेकना इन आरी रेन संगे को हमको हिजुकना को टाइम खन तो नितो दले चलाकना कि फुलो जानो चोक तीन पूरा दुमका संथल परगना ले बंद होई कना आ चे लगे बंद कदा ना दो ले बुनन ना दो नवा इतले बंद कदा चदा से जो सरकार जो नियोजन नीति बना कदा निये तो कोई कुसी बनु को जो 60-40 लगो कदा तो उना तेगे बोले तीन अले मांग ले दोहो कदा सरकार जमन नाय पुरो तले तो नो ब्लॉग वीडियो के माध्यम से लाह से चेक होई कंदम ना तो पे तो नो ब्लॉग वीडियो रे बनाव थन पे जोहार। तो गाते को नेल दरे पे हंतरे नाराय दको ते नि दु बना कोई नसिया जो है पूरा भारत में यहाँ से खनिज संपदा यहाँ से जो जाती है, लेकिन झारखंड राज्य सबसे अमीर है लेकिन झारखंड आज सबसे गरीब यहाँ पर, लेकिन आज मजबूर होकर के आज हम लोग को रोड में आना पड़ा। इन लोगों को जवाब देना होगा, अन्यथा आने वाला समय में इन लोगों को हम लोग जवाब देंगे और हर एक जितना भी विधानसभा है विधानसभा क्षेत्र से उन लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे। एक भी विधायक जो है क्षेत्र में अपना नहीं आ सकते, इन लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे झारखंड में। 2024 में विधानसभा प्रत्येक विधानसभा से खदड़ने काम करेंगे। सबसे अमीर राज्य झारखंड, लेकिन झारखंड ही आज भी गरीब है। कहा जाता है, तमाम जो युवा कह रहे हैं कि यहाँ से कोयला बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, अब इनका भविष्य इनका रोजगार भी बेचने का काम करता है। ऐसे में मजबूर होकर के आज इन्हें सड़कों को उतरना पड़ा, तमाम चीज़ें बेचना। सरकार के पीछे किसका हाथ है? देखिए, सरकार के पीछे सरकार का हाथ है। जब हम लोग एक सरकार को चुनते हैं, चयन करते हैं, तो सरकार को ऑटोमेटिकली है, जब चुनाव आता है तो हम लोग का जो मत देने का अधिकार है, वोटिंग करने का जो राइट है, 18 साल की बात करते हैं, और जो प्रतिनिधि को भेजते हैं उसका राइट क्या है? जो गांव में जो प्रतिनिधि जो राज्य में उसको काम करना, जो यहाँ के आदमी को जरूरत पड़ता है उसका राइट को देना, उसका अधिकार को देना, उसका अधिकार को छीनना प्रतिनिधि या MP MLA का काम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने सरकार को चयन किया और झारखंड बनने के बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने उम्मीद किया था कि झारखंड में जिस सरकार बनेगी, झारखंड सरकार जब भी बनेगी झारखंडी हितों के लिए बनेगी, लेकिन आज तक 23 सालों में कोई भी सरकार ने झारखंड हितों के लिए काम नहीं किया। वजह क्या है? वजह यही होगा कि झारखंड जो है वो लोग एक चरागाह की तरह बना दिया है। झारखंड उन लोग को पता है कि आज यदि जैसे कि 24 में मेरा चुनाव है, ठीक है 24 में यदि 24 से पहले कुछ भी आंदोलन हो जाए लेकिन 24 तक में शांत हो जाएगा। लेकिन सरकार को आगाह करना चाहेंगे, शांत होने वाला नहीं है। इसमें जो है अशांत सरकार हो जाएंगे। अशांत होने का कारण यही है कि आप छात्र हित के लिए बात नहीं करते, आप झारखंड हित के लिए बात नहीं करते। हम लोग का तो मांग ही यही है, 60-40 नियोजन नीति लागू कीजिए, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू कीजिए, खतियान को लागू कीजिए, खतियान को स्थान नीति मानिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती या फिर क्या कारण रहता है सरकार का, जबकि संथाल परगना से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली हैं, संथाल परगना को लेकर के अभी। देखिए, ऐसे भी संथाल परगना झारखंड के वीरों की भूमि है, सीधे गनों की भूमि है, फूलो झानों की भूमि है, चांद भैरों की भूमि है,
और ऐसे जब वीरों की भूमि से आप वो लोग को गुमराह करना, ये थोड़ा भी ये अच्छी बात नहीं है। जब सरकार जो लोगों को यदि गुमराह कर रही है, तो आने वाला दिन भी आज स्टूडेंट जाग चुका है। हम लोग चाहते थे कि कोई अपना सरकार बनेगी, अपने लिए काम करेगा, लेकिन सरकार आज पराया हो चुके हैं, छात्र विरोधी हो चुके हैं, झारखंड विरोधी हो चुके हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में अपना अधिकार है, अपना अधिकार को मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने छात्र के ऊपर लाठीचार्ज करके लोकतंत्र का हत्या भी किया है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए लाठीचार्ज जितना करना है, आप कर लीजिए जितना भी लूटना है। आपको कोयला बेचना है बेच लीजिए, आपको बालू बेचना है बेच लीजिए, गिट्टी बेचना है बेच लीजिए, अबरक बेचना है बेच लीजिए, लेकिन आने वाला दिन आज जनता जो है ना ईवीएम के माध्यम से आपको भी झारखंड से बाहर बेचने का काम करेगा। चलिए आने वाले समय में ईवीएम के जो चोर से